देश भर में लड़कियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। इसी के चलते एंटरप्रेन्योरशिप नामक एक्सपोजर एक कंपनी में लड़कियां अपनी उम्र की सीमा लांघकर आगे आई हैं। देश की 3 बेटियों की उम्र महज 17 साल, 9 साल तथा 7 साल है। लड़कियों ने खुद का एक ऐप बनाते हुए स्टार्टअप शुरू किया है, जिस ऐप का नाम सॉल्यूशन मॉल है। आपको बता दें कि यह ऐप आगे चल के यूट्यूब जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को टक्कर दे सकता है, ऐसा इस कंपनी के मालिक का कहना है। इस ऐप की यह खास बात है कि यह बुजुर्गों के सालों के एक्सपीरियंस को एक जगह लेकर आता है, जहां जरूरतमंदों को अपने काम के लिए सहायता मिलती है। इसी के चलते लड़कियों के माता पिता ने उनका पूरा पूरा साथ दिया है तथा आगे बढ़ने का सहारा भी बने। आइए जानते हैं क्या हुआ इस पूरे कार्यक्रम में। एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर के नाम से ट्रेनिंग है, ये कोई भी बच्चा ले सकता है, चाहे उसकी कितनी भी एज हो। मिनिमम हमने एज जो रखी है इसमें 7 साल रखी है कि 7 साल से अगर ऊपर का बच्चा है तो वो ट्रेनिंग ले सकता है। इन बच्चों ने 9 महीने उसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग ली है, मैंने इन्हें ट्रेन किया है और अब इन्होंने अपना स्टार्टअप 2 महीने पहले शुरू किया है, सॉल्यूशन मॉल। सॉल्यूशन मॉल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप यूट्यूब देखते हैं, जहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अभी इंडिया में कहीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसे गाड़ी ठीक करना जानना चाहता है कि गाड़ी किस तरह ठीक की जाती है, तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो मैकेनिकल इंजीनियर बने, अपनी 6 साल दे, उसके बारे में पढ़े, उसके बाद भी कई बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डिग्री सिर्फ लेने के लिए कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन रहता है कि सॉल्यूशन मॉल पे आए, जब वो यहाँ आएगा तो वो उन लोगों से जान पाएगा गाड़ी किस तरह ठीक की जाती है जो पिछले 30 साल से 40 साल से गाड़ी ही ठीक कर रहे हैं, जिनके पास वो एक्सपीरियंस है जो किसी किताब में नहीं है। अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके, तो सॉल्यूशन मॉल उसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का एक मॉल है, जिसके नाम में ही सॉल्यूशन मॉल है, जहाँ पे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा उन लोगों से जो कि हमारे वृद्ध लोग हैं, जिनके पास 30 साल का 40 साल का एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है। अमन जी, यूथ के लिए जो आने वाला भविष्य है, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जैसा अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू करी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एक ऐसी मुहिम थी कि जिसमें बेटियों को पढ़ाया भी जाए और बचाया भी जाए। और उससे प्रेरणा लेते हुए आज आपके सामने 3 बेटियां खड़ी हैं भारत की, जो आत्मनिर्भर भारत का भी संदेश देती हैं, और साथ साथ जैसे कि अब एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल हमने भर के रखा हुआ है। और युवा पीढ़ी आजकल अगर हम देखते हैं तो हमने माँ बाप को ही उठा के घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने एक्सपीरियंस को ही उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। बट बाय लक जिनके माँ बाप नहीं होते, इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पोते पोतियों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जिनको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, तो हम उस एक्सपीरियंस का यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन मॉल में बेसिकली। और हम एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस को यूज करते हुए ना केवल भारत का मार्गदर्शन किया जाएगा बट इस दुनिया का भी मार्गदर्शन किया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बिना संभव नहीं होता, क्योंकि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना चलाते तो ये बेटियां 7 साल की 9 साल की इतने मुकाम पर नहीं पहुंचती कि आने वाले जो हमारे युवा है उनको एक रोजगार ही भी दे पाए और मतलब ऐसा स्टार्टअप क्रिएट कर पाए, अपॉर्चुनिटीज आगे दे पाए खुद मांगने की बजाय। जब इनका समय आएगा ये खुद मांगने की बजाय हमारे लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार भी दे पाएंगी। तो ये सब जो हुआ है KEE गर्वी चावला जी की वजह से संभव हुआ है। आप भी अगर चाहते हैं अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो आप जरूर KEE के सारा ले सकते हो, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को स्टार्टिंग से ही कुछ नया करने के बारे में एनकरेज करता है। तो आप लोगों ने जो किया है आज, आपने लॉन्च किया है सॉल्यूशन मॉल, उसके बारे में आपने एक टारगेट रखा है फिक्स, आपने जो फर्स्ट अपना स्टेप लिया है वो लिया है वृद्धों के लिए जिन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है, इस तरीके का आपके माइंड में कैसे आया? मतलब और भी बहुत कुछ था हिंदुस्तान में जिसे आप टारगेट कर सकते, लेकिन सबसे पहले आपने वृद्धों को क्यों चुना? सबसे पहले जब हम सोच रहे थे कि हम किस प्रॉब्लम पे वर्क करें, तो हमारे खुद के मन में यह बताया कि हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि मम्मी हम किस चीज़ के ऊपर काम करें, तो हमें वहाँ से ही हुआ कि हम जब अपनी हर प्रॉब्लम के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स चाहिए होंगे। बट ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनके घर में उनके पेरेंट्स हैं ही नहीं, तो उनके लिए सबसे जो ज़रूरी था वो यही था कि उनके पेरेंट्स को हम उन तक पहुँचाएँ।
बट कईयों के घर में वो पेरेंट्स नहीं है, तो उनके लिए हम उन लोगों को लेकर आए हैं जिनके घर पे उनके बच्चे नहीं है, लाइक जो वृद्धाश्रम में जो लोग हैं उनके पास उनके बच्चे नहीं है, और जो हमारे जो यूथ है जिनके पास अगर उनके पेरेंट्स नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, तो हमने उन दोनों को आपस में मिलवाया है हमारे सॉल्यूशन मॉल के थ्रू। तो वहाँ से ही हमारे माइंड में ये आइडिया आया कि हम जब अपनी प्रॉब्लम के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं तो बहुत से लोग होंगे जिनको ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए होगा उनके पेरेंट्स का, तो हमने वो एक्सपीरियंस वहाँ पे, इसलिए हमने ओल्ड एज लोगों को वहाँ पे चुना कि हम उनकी हेल्प करनी चाहिए। अभी आज आपका जो ऐप है सॉल्यूशन मॉल, वो आपने उसकी इनॉग्रेशन की है, अभी आगे आप और इसमें करते रहेंगे, अभी क्या क्या आपके फ्यूचर प्लान्स भी हैं आपके कुछ अभी? हाँ जी, हमारे पास बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, हमने बहुत कुछ होते हुए इसमें कि हम बहुत सारे चेंजेस करेंगे। आपका क्या है बेटा, आप कैसे, मतलब अभी जैसे आपकी आज लॉन्चिंग हुई है इतनी कम एज में, आपने कभी सोचा था कि 7 ईयर्स के आप और आप इस तरीके का कुछ कर पाओगे कि आप खुद का ही अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो? ये मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मुझे मेरे मामू ने बताया कि मैं इस एज में कुछ कर सकती हूँ। तो आपके साथ ये जो ग्रुप था, आप तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, और वो काफी कम एज है, 7 ईयर्स की एज है आपकी, 13 ईयर्स की एज होगी, 9 ईयर्स की, और आपकी 17, इतनी कम उम्र में आप लोग ये कर पाए, तो आगे जो और बच्चे हैं हिंदुस्तान में उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उन सब के लिए यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस एज में भी कुछ कर सकते हो तो आज ज़रूरी नहीं है कि आप इंतज़ार करो कि आप बड़े हो आप फिर दुनिया के लिए कुछ करो, जब आपको मौका मिल रहा है आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, और अगर आपके पास ऐसा सपोर्ट है, आपकी फैमिली सपोर्ट है, आपके टीचर्स का सपोर्ट है, तो वो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते या आपकी एज छोटी आप नहीं कर पाओगे। ये दोनों शायद आज थोड़ा कम मतलब बोल रही हूँ, बट इनके आइडियाज़ जो हैं वो मुझसे भी ब्राइट होते हैं, और इनका जो लेवल होता है सोचने का वो बहुत अच्छा होता है, लाइक बच्चों की एज में हम बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, तो इन दोनों ने ही खूब मेहनत करी है, हम तीनों ने मिल के अपना सॉल्यूशन मॉल जो तैयार करें वो हम किसी भी एज में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़ा होना पड़ेगा या तब करना पड़ेगा। आपका जो प्रोग्राम चलता है, जैसे आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, काफ़ी कम एजेस के जो बच्चे हैं, आपने एक क्राइटेरिया रखा है कि तो 7 साल से ज़्यादा बच्चों का होना चाहिए, तो कब से आपके बैचेस स्टार्ट होते हैं, किस तरीके से आप मतलब कैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है? इसमें जो पैमाना रखा गया है सिलेक्शन का, वो 3 कैटेगरीज में है। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद रीजनिंग का टेस्ट होता है, और इसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है बच्चे का। अगर वो तीनों क्रॉस कर लेता है तो वो इसमें एनरोल कर सकता है। जो इसकी क्लासेस चलती हैं वो ऑनलाइन चलती हैं, बच्चे के हिसाब से ही चलती हैं, 3 से 4 बच्चों का बैच रहता है, तो दिन में जो भी 1 घंटा उनको सूटेबल हो, चारों बच्चों को अपना आपसी बना कर कि ये 1 घंटा हमें सूटेबल है, उसी 1 घंटे में उनकी क्लास चलती है। हमारे जो ट्यूटर्स रहते हैं वो एंटरप्रेन्योर रहते हैं, सारे बड़ी बड़ी कंपनी के CEO रहते हैं, MD रहते हैं, जो उन्हें पढ़ाते हैं, जो उन्हें इस चीज़ की कोचिंग देते हैं। अच्छा, बच्चे जो आप लोग चुन रहे हैं वो काफ़ी, अगर देखा जाए तो सभी स्कूलिंग करते हुए बच्चे जी, तो किस तरीके से मतलब अपना टाइम निकाल पाते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए 2 जगह है जो माँ बाप सोचते हैं आज के वक्त में, कि एक बच्चे के लिए हमारा बच्चा पहले स्कूल जा रहा है, उसके बाद ट्यूशंस भी लगा रखे हैं, तो वो कैसे समय निकाल पाएगा, क्या कर पाएगा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा है बच्चे स्कूल में बोर हो जाते हैं, रोज़ एक ही टाइप का पढ़ के फिर ट्यूशन क्लासेस में जाके वो बोर होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है किड्स एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर, इसमें हर चीज़ हम लोगों ने प्रैक्टिकल लर्निंग में फोकस किया है बहुत ज़्यादा, कि चीज़ों को प्रैक्टिकली दिखा के उनको समझा के उनको सिखाया जाए कि ये प्रॉब्लम ऐसे होती है, बाकायदा उनको प्रॉब्लम में डाल के हम लोगों ने उनको प्रैक्टिकली सिखाया है कि अगर आप इस प्रॉब्लम में होगे आप क्या करोगे। आप विश्वास माने कि जो 2 बच्चियाँ हैं, इनके पिताजी एक बिजनेस रन करते हैं अपना, तो वो अपने फादर से घर पर क्वेश्चन करती हैं कि आपने इस मॉड्यूल पे को अपने बिजनेस में लगाया, या इस मॉड्यूल को अपने बिजनेस में लगाया होता तो इससे ये फर्क पड़ता। तो इन बच्चों को जितना प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाएगी, चाहे स्कूल में हो चाहे कहीं भी, उनको अच्छे से ग्रैप करने में चीज़ें आसानी होगी, हर चीज़ों का वो अच्छे से सीखेंगी। तो बेसिकली हम लोगों ने इस पे फोकस किया है प्रैक्टिकल लर्निंग पे और एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल लर्निंग उनकी काफ़ी अच्छी करी गई है और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया उन्हें, तभी ये बच्चे आज इस ये सब कर पा रहे हैं। जो और बच्चे हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, या और बच्चों के माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे इस तरीके कुछ सीखे, तो आपके इंस्टीट्यूशन जो आप चलाते हैं, मतलब एक तरीके जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम और किस तरीके से जुड़ सकते हैं, और कब आपके बैचेस स्टार्ट होंगे उसके बारे में? हमारे बैचेस अभी रनिंग में ही हैं, ऑलरेडी 120 बच्चे हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं इंडिया के अलग अलग राज्यों से। अगर कोई बच्चा नया जुड़ना चाहता है तो वो हमारी किड्स एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपोजर करके हमारी एसोसिएशन है जिसमें वो एनरोल हो सकता है।